सो हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट आस में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। ये एनालिसिस हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, ओके, सो दैट इजीली हमको लेवल्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे और हमारे जो टारगेट्स वगैरह है वो ढूंढने में आसानी होगी। इसीलिए हम लोग ये 15 मिनट पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, तो ओके, यहाँ पे एक गैप डाउन ओपन हुआ था। तो ये गैप डाउन है ना कभी फील होता है, ये एक चीज़ याद रखना है, ओके। तो ये गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिया था। तो डाउनफॉल देने के बाद में यहाँ से एक पुल बैक आया था, ओके। तो ये पुल बैक कहाँ तक आया था, तो ये ऑलमोस्ट जो 45,100 की लेवल से लेके 45,000 की जो लेवल है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। तो वहाँ तक एक पुल बैक आया था, ओके। तो वहाँ से वापस से वो लेवल तक जाने के बाद में एक शार्प फॉल दिखा था, ओके। तो ये शार्प फॉल दिखने के बाद में मार्केट अभी सपोर्ट ले रहा है, ओके। तो मार्केट जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है वहाँ पे हम लोग ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मार्केट ने ये वाले लेवल पे एक सपोर्ट लिया था, देन वापस से अपसाइड में जाने के बाद में फिर से एक ये वाले लेवल पे आने के बाद में सपोर्ट लिया। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल, ओके। तो अभी फिलहाल के लिए जो दिख रहा है, तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो यहाँ से यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्क करोगे तो ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ओके, अपसाइड में गया, रिजेक्शन लिया, देन फिर से डाउन साइड में, तो ये हो गया हेड हमारा, ओके। देन मार्केट अपसाइड में गया, देन वापस से राइट हैंड शोल्डर बनाया, राइट शोल्डर बनने के बाद में मार्केट फिर से अपसाइड में जा रहा है, ओके। तो मार्केट अपसाइड में कहाँ तक जा सकता है, तो अपसाइड में मार्केट जाने के चांसेस कहाँ तक के, तो 45,360 की जो लेवल है वहाँ तक जाने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट वहीं से गिरना चालू हुआ था जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, ओके। तो ये लेवल तक जाने के मार्केट चांसेस है। अगर मार्केट ने ये वाला जो रेजिस्टेंस है हमारा 45,100 से लेके 45,000 की जो लेवल है, ये वाली जो रेंज है वो अगर ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट कहाँ पे जाने के चांसेस, तो मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाएगा। अगर ये सिमिलर लेवल पे रिजेक्शन लेता है तो मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। तो डाउन साइड में हम लोग कहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं, तो ये हमारा जो हेड का जो बॉटम है 44,321 का, तो वहाँ तक जाने के मार्केट चांसेस हैं। वो लेवल भी अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो डाउन साइड में और कहाँ तक जा सकता है, तो 44,000 की जो लेवल है ये वाली, तो वहाँ तक जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ओके। जब मार्केट 45,108 की जो लेवल है, ये वाली जो लेवल है वो ब्रेक करेगा, तब हम लोग कॉल की साइड में जाएंगे। नहीं तो यहाँ से रिजेक्शन लिया और हमको कंफर्मेशन मिला, तो हम लोग डाउन ट्रेड में ही जाएंगे, यानी पीई की पोजीशन में ही जाएंगे। क्योंकि पीई की पोजीशन में जाएंगे तो देखेंगे, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस है, ये हंट हुआ, यानी 44,650 का जो लेवल है वहाँ पर बहुत जन के स्टॉप लॉस रहेंगे। वो अगर हंट हुआ तो हमें 44,321 की जो लेवल है वहाँ तक का एक टारगेट अच्छे से मिल जाएगा। यानी ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का टारगेट हो गया, ये 200 पॉइंट का टारगेट हमको इजीली अचीव हो जाएगा। अपसाइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अपसाइड में ये वाले लेवल पे एक स्टॉप लॉस हो गया, देन वापस से ये वाले लेवल पे स्टॉप लॉस हो गया। अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है, यानी 44,100 का लेवल अगर ब्रेक करता है और इनके स्टॉप लॉस लेता है, तो मार्केट अपसाइड में 45,360 से लेके 45,600 की जो लेवल है वहाँ तक जाने के चांसेस हैं। तो इसके प्रीवियस में देखेंगे तो टारगेट कहाँ तक, कहाँ पे है, तो ये वाले लेवल की एक टारगेट है, देन इसके बाद में ये वाला जो लेवल है 45,505 का, वहाँ पे एक प्रीवियस टारगेट है, ओके। तो ये चीज़ याद रखना है। अगर अपसाइड में निकला तो 45,100 के ऊपर हम लोग कॉल की साइड में जाएंगे, और डाउन साइड में देखने का रहेगा कॉल पुट की साइड में। तो एक तो मार्केट को ये अपना रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक आने को देंगे मार्केट को, और उसके यहाँ पे रिजेक्शन बाय करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग गैप डाउन पे 44,650 की जो लेवल है उसके नीचे हम लोग पी की साइड में पोजीशन बना सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मंडे के दिन में बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।